पहले अपने देश के लिए पैरा एशियन चैम्पियनशिप में 2 सिल्वर मेडल लाए थे। उसमें एक दिग्विज शाह है, बीएसएफ का जवान से, जिन्होंने अपने देश के लिए 25 फरवरी को जो बहरीन में पैरा एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल, सारे के सारे मेडल हमारे देश के जवानों को लाए हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ। सो ये वो हमारे देश के जवान बहादुर बंदे हैं जो शरीर का देश के रक्षा के लिए सरहदों पर खोया है। किसी ने बिहार में नक्सलवादियों से लड़ करते लड़ते अपने शरीर को तो अंग खोया है, शरीर का अंग खोने के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं ये फिर से खड़े हुए, फिर से लड़े और सलाम की जो दिखाई देते हैं उसके जज्बे को। और यही जज्बा हम अपनी जो फिल्म है राइड, राइड में लोगों को देखने में मिलेगा कि जहाँ पे एबल बॉडीज लोग, हम लोग हिम्मत हार देते हैं कि और भगवान से कुछ बोलते हैं कि भगवान आपने हमारे लिए काफ़ी दुख दिए, तो मुझे लगता है जब भी आदमी लो में हो या कॉन्फिडेंस खोए तो एक बार इन प्लेयर्स की तरफ देखना चाहिए जो हमको दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में थकने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बस चलने का काम है, फाइट करने का। Respect se dekha jayega mera bhagavan hai bhagavan।
इसके लिए पूरा हंगामा किया मीडिया ने, लेकिन 3 मेडल आया, कभी मेडल में बोला नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, एक फसल के लिए 400 एकड़ में, आज 1200 एकड़ जमीन में दो फसल मिल रही है। और जिस गांव से 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, आज हर दिन 6000 लीटर दूध बाहर जा रहा है। तो गांधी जी जो बोलते थे, देश बदलना है तो गांव को बदलना पड़ेगा, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, ये गांधी जी का जो सपना था। लेकिन देश बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना है, जो गांव को बदलना है लेकिन गांव का आदमी बदलना है। अण्णांसारखी पर्सनॅलिटीवर सिनेमा केल्यानंतर आता कुठला विषय निवडावा विचार केल्यानंतर मला असं वाटलं की जे पॅरास्पोर्ट्स आहेत, ज्या लोकांनी आपले हात पाय गमावले ॲक्सिडेंटमध्ये आणि तरीही ते हिम्मत न हारता स्पोर्ट्स घेऊन देशासाठी मेडल्स घेऊन येतात, हा जो विषय हा लोकांसमोर आला पाहिजे। कारण की पॅरास्पोर्ट्सला जेवढी पब्लिसिटी मिळत नाही जेवढी पब्लिसिटी मिळायला पाहिजे। म्हणजे त्याचं एक ताजं उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी, आत्ता मागच्या आठवड्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची मॅच झाली, त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया हारला, ती न्यूज
अख्ख्या भारतातल्या प्रत्येक न्यूजने कवर केली, पण त्याच दिवशी भारतातली भारतातल्या पॅरासायकलिंग जे आहे, पॅरा एशियन चॅम्पियनशिप जी बहरीनला झाली, तिथं सगळे मेडल्स आपल्या भारतीयांनी मिळवले. म्हणजे त्या 40 देशातून जे लोक आले होते त्यांच्यामध्ये गोल्ड, सिल्वर आणि ब्रॉन्झ तिन्ही मेडल हे आपल्या भारतीयांनी मिळवले. ही इतकी मोठी न्यूज असून ती न्यूज मला कुठल्याही चॅनलवर दिसली ना, तर मला असं वाटलं की इतकी मेहनत करणारे हे, आणि हे लोक कोण, तर हे BSFचे जवान आहेत ज्यांनी देशाची रक्षा करता करता आपले हात गमावले, आपले पाय गमावले. आणि आज आदित्य मेहतासारख्या एक व्यक्ती येतो आणि तो त्यांच्या त्यांना एक मोटिवेट करतो की तुम्ही पॅरास्पोर्ट्स हा अवलंबला पाहिजे. आदित्य मेहतानी 2013 देशासाठी 2 सिल्वर मेडल आणले आणि आता त्यांनी त्यांनी हे अनुभव केलं की जर कॉन्फिडन्स गमावलेला आदित्य, त्यांनी स्पोर्ट्स सायकलिंग हे स्पोर्ट्स अवलंबलं आणि त्यात 2 मेडल मिळवले, आणि जी एक एक खुशी असते माणसाची ती खुशी त्याला परत मिळाली, त्याला असं वाटलं की मला जर हे शक्य झालं तर मी दुसऱ्यांना प्रेरणा द्यावी. आणि म्हणून त्यांनी लोकांना प्रेरणा देणं सुरू केलं, BSF असो की NSG असो, या सगळ्या लोकांना त्यांनी एकत्र आणलं आणि त्यातून आता घातले लोकांना मेडल्स मिळतात. तर मी आदित्यवर सिनेमा करायचं ठरवलं, हे माझं त्याचं रिझन होतं. तो आपको क्या लगा इस बारे में और आपकी क्या संकल्प है? आप संकल्प ये नहीं, मैं जब अभी अन्ना हजारे जी पे जो बायोपिक मैंने बनाया उसके बाद मेरे सामने प्रश्न था कि किस विषय को लेकर मैं फिल्म बनाऊं, क्योंकि अन्ना जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व करने के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन मैंने कुछ जब डिटेल्स में गया तो मुझे ऐसा लगा कि पैरा स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान इतना अच्छा कर रहा है. अभी हमारे साथ में ये तीनों प्लेयर्स खड़े, इन्होंने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल लेके आए. लेकिन कमाल की बात थी कि जिस दिन हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच हारा वो सारे हिंदुस्तान ने कवर किया, लेकिन उसी दिन हमारे देश के 3 नौजवान बहरीन में जाके देश के लिए सारे मेडल्स जीत के आते हैं. मतलब जितने भी फॉरेनर्स हैं जिनको बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स, बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट देती है, उन लोगों को अपनी पर्सनल मेहनत से, अपनी हिम्मत के दम पे ये अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को नहीं दिखाया गया. तो यही मैं जब आदित्य मेहता से मिला तो उनकी लाइफ स्टोरी मुझे समझ में आई. उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स को जिस तरह लिया, खुद 2 मेडल्स उन्होंने लास्ट पैरा एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप में जीते थे, तो उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना, मतलब ये लोग हमारे लिए प्रेरणा है. बेसिकली हम लोग तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने ज़िंदगी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स ये रियल मायने में स्पोर्ट्स है. इन्होंने इनके 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 जज्बे से दिखा दिया कि स्पोर्ट्स और ज़िंदगी एक जैसी है. अगर आप हर आदमी के जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन अगर आपकी आपका ध्येय मजबूत हो, आपका इरादा मजबूत हो, तो स्पोर्ट्स हो या ज़िंदगी, आप जीत ज़रूर हासिल करते हैं. आप फिल्म बना रहे हो तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आदित्य मेहता जो आज तो मेडल जीते हैं, लेकिन और भी लोगों को, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, NSG हो, सिविलियंस हो, उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप ये स्पोर्ट्स दीजिए. तो मुझे लगा आदित्य के ऊपर मैंने फिल्म करनी चाहिए और मैंने अभी डिसाइड किया है कि आदित्य मेहता जो मैं उनकी लाइफ में फिल्म बना रहा हूँ. आदित्य हमारे साथ है. ओके. इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस साल. अभिषेक हरिंदर, प्रश्न आज है कि जब शशांक जी ने आपको इस विषय के बारे में बताया तो किस तरह का आपका एक इनिशिएटिव सामने आया और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ने लगी, क्या किस तरीके से आप सहायता करेंगे इनके प्रोजेक्ट में? जब शशांक जी ने मुझे बताया तो मैंने उनको पहले तो बोला कि सर मेरे पे दिखाना बेकार है, जो हमारा काम है बेसिकली हम लोगों ने स्क्रैच से काम चालू किया है, जो मेरे ऐसा एकदम आप बोल सकते हो एक पक्का बिजनेसमैन जो अपने सिवाय किसी की और की नहीं सोच सकता, एक एक्सीडेंट ने मेरी सोच बदल दी और उसी सोच से हम लोगों ने हमारा एक जो पूरा टीम है MF का, एक के बाद एक सबकी सोच बदल दी और सब लोग इसी के अंदर लग गए. और जो कॉज उनको मैंने बोला था कि सर जितना हो सकता है हम लोग कॉज को बताएं कि जो आदमी का हाथ पैर या कुछ भी कोई भी टाइप की डिजेबिलिटी हो जाती है उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है. हम लोग जो है नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीते ही नहीं है, जो सुबह उठता है, खाना खाता है, ऑफिस जाता है, आके सो जाता है. हमारे जैसा काम, मैं लकी हूँ आज के डेट पे जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए मैं कुछ अलग जीता हूँ. ये सब लोग अलग जीते हैं, तो हम लोग लकी है जो हम लोग जीते हैं. यही चीज़ अगर मैसेज पहुँचता है हर आदमी को
तो वी कैन चेंज द स्पोर्ट्स का सिनेरियो. इनफैक्ट मेरा ड्रीम है 2020 में 2016 पैरालंपिक्स में, अब कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने इंक्लूड नहीं किया पता नहीं, उन्होंने खाली 5 स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स सेलेक्ट किए थे और नाम एंट्री भी जाई थी 5 में से 4 मेडल आ गए. ऐसे 12 से ज़्यादा स्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फंडिंग है नहीं. तो अगर खुला सामने से आती है गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है बताती है, तो मैं गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं करता हूँ कि वो लोगों की गलती है. अगर सामने आके सामने से बोलती कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग हमारे तरीके से जमा करके इकट्ठा करके हम लोग हमारे तरीके से जीने की कोशिश आज भी कर रहे हैं और लोगों को भी करवा रहे हैं, तो हम लोग करेंगे. क्योंकि हर एक आदमी परफेक्ट होता नहीं है, उसको अपने आप ही अपनी सिचुएशन परफेक्ट बनाती है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, कोई भी गवर्नमेंट अगर हायर ऑफिशियल्स को काम करना तो नीचे वाले करते नहीं है. तो सब लोग मिलके अगर एक ये एक कॉज को सीरियसली ले ले, तो बेसिकली वी मेक आर ओन एक्सटेंडेड फैमिली टू अर्न देयर ओन डिग्निटी थ्रू स्पोर्ट्स. जो लगता है वो लोगों को लाइफ ख़त्म हो गई है, अगर वो अपनी बॉडी को पुश करते हैं, दे कैन टेक देयर डिसएडवांटेज एडवांटेज. वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ, आई एम ट्राइंग टू लाइक स्प्रेड द सेम अवेयरनेस टू माई एक्सटेंडेड फैमिली. तो सर को भी वही बोला कि सर लेट्स वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड विल मेक इट बिग. इनफैक्ट आई हैव 100% सपोर्ट टूवर्ड्स दिस कॉज. खान साहब ने कहा, आए थे उन्होंने तो हैदराबाद भी पूरा कम्प्लीट हमारा रेगुलर प्रैक्टिस देखी, सब लोग कैसे करते क्या करते. इनफैक्ट लास्ट 2 साल से उनको पता है कि मैंने अपने माँ बाप का सबका धंधा बंदा छोड़ के 1 रुपया कमाया नहीं है, सिर्फ यही चीज़ के लिए काम किया डेडिकेटली. आई हैव लाइक गिवन एवरीथिंग टू दिस कॉज. तो उस लाइफ से कंट्रास्ट होके इस लाइफ में दिसंबर में मिला था मेरे को एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे अन्ना साहब रत्ना निधि के अवार्ड फंक्शन में, डिजेबल डे के दिन एक अवार्ड मिलता है, तो उन्होंने वहाँ पे मिले थे और खान साहब भी वहीं पर मिले थे. तो सर और हम दोनों तो रोज़ रेगुलर बात करते. मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोला इमीडिएटली अन्ना साहब को मिलते हैं. तो ना ठीक है सर चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, साइकिलिंग करते हुए जाएंगे, थोड़ी मेहनत हम लोग भी कर लें. मेहनत तो क्या है, हमारा तो रोज़ का है. लेकिन ये लाइक अन्ना साहब ने भी बताया कि ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करेंगे. ओके शशांक जी, पूरी दुनिया जानती है कि अन्ना के प्रोजेक्ट को खड़ा करने में आपने 4 साल लगा दिए, बेहद मुश्किलें आपने झेली. इस प्रोजेक्ट को लिखते समय, कहानी को पेपर पर उतारते समय किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आईं और क्या जद्दोजहद करनी पड़ी इस कहानी को आपको पूरा कागज़ पर उतारने के लिए? जैसे भी आदित्य ने बताया, मेरे को भी लग रहा है कि बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है जो अन्ना जी कर रहे हैं ना, वही लोग ये कर रहे हैं सेम कॉज. एक हिंदुस्तान में वैसी रोल मॉडल्स बहुत कम है, ये हमारे लिए इतने बड़े रोल मॉडल्स हो सकते हैं कि आप किसी भी मोमेंट लाइफ में गिव अप करने का किसी इंसान को कोई हक नहीं है. इनकी लाइफ ये हमको दिखाती है. और जैसा आदित्य सर ने कहा, तो मैं बिल्कुल वही कोशिश करेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स की से और उससे ज़िंदगी और ज़िंदगी से खेल कैसे जुड़ जाए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म कैसे बेहतरीन बने, इसकी कोशिश होगी. टाइम तो लगता है, अच्छी फिल्म में बनने को टाइम लगता है. इसमें थोड़ा प्लस ये है कि हम दोनों सेम एज के होने से मैं फट से फ़ोन उठा के आदित्य को पूछ लेता हूँ कि यहाँ क्या होता है. वहाँ अन्ना जी के पास पूछने से पहले मैं 10 बार सोचता था. थोड़ा ईज है, बहुत कुछ डिटेलिंग्स आदित्य से मिल चुकी है और अभी उन लोगों से भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है. वी आर कॉन्फिडेंट कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स पे आज तक हिंदुस्तान में फिल्म बनी नहीं है. सो पैरा स्पोर्ट्स पे और कैसे ये हमारे देश के लिए रियल रोल मॉडल्स है, ये इस फिल्म की खूब बात है. पहली बार सुबह 4 बजे शूट किया, वेरी गुड एक्सपीरियंस. सुबह आफ्टर राइडिंग आफ्टर वीक्स टाइम, गुड स्ट्रॉन्ग राइड विद द एंटायर टीम, वेरी गुड रोड्स एंड गुड सपोर्ट एज वेल. सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और यहाँ सबसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा.